अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानिया सिद्दीकी। भाई आज मैं जा रहा हूँ प्लांटेशन के लिए एक स्कूल में। जिस तरह की आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक पौधे लगाने का रिवाज बहुत कम है, और मतलब कि पौधे काटे जाते हैं बगैर लगाए ही जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ जाके मैं प्लांट्स लगाऊंगा और गाइड करूंगा कि किस तरह से बेटा पौधे लगाने चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसके बारे में बहुत ब्रिलियंट ड्रीम मंसूबा शुरू किया है। ये बहुत अच्छा इनिशियल है गवर्नमेंट के लिए, वरना गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं देती है। तो उम्मीद है मुझे कि अब इस पर, इस गवर्नमेंट पर जो ये गवर्नमेंट आई हुई है, ये तवज्जो देगी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बने। अभी एक नर्सरी में, और जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं ये नर्सरी है, तो यहाँ से मैं परचेज़ करूँगा पौधे वगैरह और लेकर जाऊँगा। और अभी मैं बताता हूँ कि इसकी क्या कॉस्ट चल रही है। तो मैं आया हूँ कि अभी एक नर्सरी में, और एक ये भाई साहब यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद साहब यहाँ पे हैं। तो मुझे जो है ना एक प्लांट चाहिए, मुझे स्कूल में जाके वो लगाना है। बड़े भी अगर उधर फूलों वाले पौधे लगाओगे तो स्कूल खुशनुमान होगा, बच्चे खुशनुमान होंगे। ठीक है, बच्चे खुशी से पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, घर पे जाएंगे तो दूसरे कोई साथी को पड़ोसी को उसे भी बोलेंगे सही है, स्कूल चले पढ़े, इधर खेलने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम है। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ भी है कि क्या नाम है, खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है स्कूलों की, कॉलेजेस में लगने चाहिए। जो बच्चा जाएगा वो दूसरे को बोलेगा कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, इस स्कूल में जाए जो वो अच्छे वाला स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी तालीम होती है। तो इसकी क्या डेली की सेल है, थोड़ा है लोगों का रुझान है इस तरफ? कभी 2000 हो जाते, कभी 1000 हो जाते, कभी नहीं भी होता। अच्छा, अपनी जेब से भी देना पड़ता। मतलब कि बहुत कम है लोगों का रुझान इस तरफ, बहुत कम, स्लो है, बस एक जरिया बनाया है जो ये रोजी। चलो अल्लाह रहम करेगा, ये तो सिंध गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि उसको भी जरा देखना चाहिए इस तरफ। ऐसे ऐसे बंदे आ जाते हैं जिन्हें की मांगने की हालत नहीं है, वो आके मांगते हैं, बोलते हैं बेटा 10 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही नहीं होते, चुप करके बैठ जाते। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हो। तो तुम्हारे पास कौन कौन से पौधे हैं जो हम लगा सकते हैं जाके, जरा दिखाओ मुझे। बड़े भी ये बहुत पौधा बड़े देख, हजारों का लगेगा वो ही अच्छा लगेगा। सही है। और ये भी थैली वाले छोटे छोटे तैयार कर रहा हूँ, ये बड़े करता हूँ, फिर ये गमले में लगाता हूँ। तो इसकी क्या प्राइस चल रही है, क्या इसके कितने पैसे हैं? इसकी 30 रुपए ये थैली चल रही है। 30 रुपए थैली चल रही है। गमला 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 2000। सही है। परचेज करते हैं जितने भी परचेज तुम्हें जाके फिर लगाते हैं, और ये यही कह रहे हैं कि सेल बहुत। ठीक है जी, मैंने परचेज कर लिए हैं और अब मैं निकल रहा हूँ। ये वाले पौधे मैंने ले लिए हैं और अब हम स्कूल में, और ये हमारे साथ ही जा रहे हैं स्कूल में, हम जा रहे हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं आया हूँ, और ये स्कूल है। तो अब इसमें जाके मैं थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को बताऊंगा कि बेटा हमारे लिए प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं। और वो जो भाई थे वो नर्सरी में जो थे, उनको भी मैं साथ लेकर आ गया हूँ। तो अब अंदर चलते हैं। स्कूल में, और यहाँ पे हम प्लांट लगाने आए हैं। तो अभी तो ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है गली में।
मैं अभी लगा रहा हूँ। पौधे में भी मिट्टी डाल दी आपने। अंकल आप क्या कर रहे हैं? डन। तो प्लांट्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं और अब उनको पानी दे रहे हैं। अभी प्लांट्स लगा दिए हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे और फगुन ने ये जूस प्रोवाइड किया है हमें। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉय योर लाइफ और ऐसे ही दरख्त लगाते रहें। एक प्राइम मिनिस्टर ने इनिशियल लिया है, उसको सपोर्ट करें और अपने इर्द गिर्द माहौल को खुशगवार सब बनाएं। तो भाई को ड्रॉप कर दिए है अभी स्कूल से आगे और तो आप हम चलते हैं।